वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 1,17,38,99,100 उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नम्रता। मनीष सिसोदिया को लेकर भले ही केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हो, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर को आधार बनाकर उन्हें सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताते हो, लेकिन सच तो ये है कि जब सदन में एक आंकड़ा पढ़ने की बारी आई तो मनीष सिसोदिया के हाथ पांव फूल गए। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया तो फिर लोगों ने भी जमकर मजे लिए। सलमान खान नाम के शख्स ने मनीष सिसोदिया का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चैन से जीना है तो ध्यान से देख लें। ये वही हैं जो पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैथ्स में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी स्कूल में। वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा भी क्या है जो सिसोदिया का इस तरह से मजाक बन रहा है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये वीडियो दिल्ली विधानसभा का है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया सबके सामने एक आंकड़ा रख रहे थे। इसी बीच उनको एक पूरा न्यूमरिक फिगर सभी को बताना था, लेकिन सिसोदिया इस पर अटक गए और ऐसे अटके कि अटकते ही चले गए। कभी करोड़ बोलते हुए नजर आए, कभी लाख, कभी हजार, तो कभी 100 तक पहुंच गए। बाद में जब वो नंबर पढ़ा ही नहीं गया तो फिर खिसिया कर हंसने लगे, लेकिन हार नहीं मानी। एक बार फिर सिसोदिया ने ट्राई किया और इस बार जैसे तैसे ये मुश्किल टास्क कंप्लीट कर लिया। फिर तो जैसे सिसोदिया ने कोई जंग जीत ली हो। खैर, सोशल मीडिया पर सामने आए दिल्ली के शिक्षा मंत्री के इस वीडियो को लेकर लोग उनका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको मनीष सिसोदिया का ये वीडियो। वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 173,79,982 रुपए की पूरक अनुदान मांगो। वैसे एक तरफ मनीष हैं जिनसे एक आंकड़ा नहीं पढ़ा जा रहा और दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े शुभचिंतक केजरीवाल हैं, जो कभी उन्हें भारत रत्न देने की मांग करते हैं तो कभी उन्हें सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बता देते हैं। जरा सुनिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, जो सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई, और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें, ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं। राजपूत भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतों भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज हैं, सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3-4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी? किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है, किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। इससे देश का भला होगा क्या? क्या चेंज कर दिया? सीबीआई की रेड होने के बाद नहीं किया, 1 अगस्त को किया था। उसका कारण है 850 दुकानें खुलनी थी दिल्ली के अंदर, एक एक करके 350 दुकानें खुल पाई, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। जिस तरह से केंद्र सरकार और सारी एजेंसीज दबाव डाल रही थी हमारे अफसरों के ऊपर, अफसरों ने उस पॉलिसी के तहत नई दुकानें का ठेका करना, नीलामी करने के लिए मना कर दिया।
एलजी का दबाव था, पुलिस का दबाव था, सेंट्रल एजेंसीज का दबाव था। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं।